एवरीवन फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं ये शेयर करूंगी कि मैं अपने बाल कैसे स्ट्रेट करती हूं और मैं कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करती हूं एक बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल रिजल्ट अचीव करने के लिए। जैसे कि आपने अभी थंबनेल में देखा होगा, मेरे बाल जो नॉर्मली हैं दे आर वेरी वेरी फ्रिजी, वेरी कर्ली। फिर अगर आप सिर्फ डेमो देखना चाहते हैं स्ट्रेटनिंग का कि मैं अपने प्रोफेशनली कैसे स्ट्रेट करती हूं घर पर ही, देन यू कैन क्लिक ऑन दिस टाइम स्नैप एंड यू कैन स्किप एवरीथिंग। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द फुल वीडियो टू नो एवरीथिंग दैट यू शुड बी नोइंग अबाउट स्ट्रेटनिंग। सो या टिप्स एंड ट्रिक्स अगर जाननी है देन लेट्स गेट स्टार्टेड। एक टिप मैं सबसे पहले दूंगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए देन लाइक जरूर करिएगा, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट इवन दे कैन लर्न कि कैसे वो घर पर ही प्रोफेशनल स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं। एंड यस, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इफ यू फाइंड रियली हेल्पफुल। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टिप नंबर टू। आई वुड रियली रियली सजेस्ट कि आपको स्ट्रेटनिंग कभी भी एकदम वेट हेयर पे नहीं करनी चाहिए। स्ट्रेटनिंग वेट हेयर में करोगे तो बालों में बहुत ही ज्यादा पानी होगा, जिसकी वजह से जब आप हीट लगाओगे अपने बालों पे वो वाटर इवेपोरेट होगा, विच विल डैमेज द हेयर क्वालिटी, डैमेज द हेयर टेक्सचर। जो स्ट्रेटनर है वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। कि बाल बहुत ही हल्के से डैम्प होने चाहिए, आपके बाल बहुत ज्यादा एकदम गीले नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा बस हल्का सा मॉइस्चर उनमें होना चाहिए और हल्के से डैम्प होने चाहिए, तब आपको स्ट्रेटनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कि कभी भी आपको ऑयली एंड ग्रीजी बालों में हेयर स्ट्रेटनिंग नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा आपके बाल ग्रीसी लगेंगे, दे विल वेट डाउन एंड जो भी है वो बहुत ही ज्यादा चिपचिपे फील होने लगेंगे। बिकॉज क्या होगा, अगर आप ऑयली हेयर में करोगे तो स्ट्रेटनर जो है उस ऑयल को आपके हेयर स्ट्रैंड से बिल्कुल ही ऐसे चिपका देगा एंड योर हेयर विल फील मोर हैवी। लास्ट थिंग दैट आई वुड रियली सजेस्ट, दिस इज नॉट अ टिप बट दिस इज मोर ऑफ अ प्रिकॉशन, ये एक प्रिकॉशन है कि टीनेजर्स को नहीं करनी चाहिए। लाइक टीनेजर्स ओकेजनली कर सकते हैं, लाइक अपनी फ्रेशर्स पार्टी पे या फेयरवेल पार्टी पे या एनुअल फंक्शन है, लाइक ओकेजनल जो इवेंट्स होते हैं उन पे कर सकते हैं। रेगुलरली टीनेजर्स को नहीं करना चाहिए बिकॉज जो हेयर फॉलिकल होता है वो बहुत ही ज्यादा आपका जो है टेंडर होता है, द हेयर रूट्स आर टेंडर, स्कैल्प इज टेंडर एंड इट्स इन अ डेवलपिंग स्टेज। सो और हार्मोनल चेंजेस भी बहुत हो रहे होते हैं ड्यूरिंग योर टीनेजर स्पैन। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। एंड नाउ जो भी बाकी रिमेनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स हैं व्हाइल यू स्ट्रेटन वो मैं आपको डेमो के साथ साथ बताती जाऊंगी। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द नाइटमेयर बिकॉज यू विल बी सीइंग हाउ माय हेयर लुक्स विदाउट स्ट्रेटनिंग। सो गाइज, एज यू कैन सी दिस इज हाउ माई हेयर लुक्स। एंड अब मैं आपको जल्दी से चीज़ें बता दूंगी जो आपको चाहिए। फर्स्ट यू नीड अ रबर बैंड, देन ये दो मैंने क्लिप्स ली हैं, टिक टैक क्लिप्स हैं ये नॉर्मल, एंड ये एलिगेटर क्लिप है। आप चाहें तो आप क्लचर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक सिरम ले रही हूँ स्ट्रीक्स का टू मॉइस्चराइज माई हेयर वाइल आई एम स्ट्रेटनिंग, एंड ऑफकोर्स यू नीड अ स्ट्रेटनर। एंड अब मैं अपने बालों को सेक्शन आउट कर लूँगी। मैं जनरली पहले नीचे के बाल करूँगी और ऊपर के बालों को मैंने सेक्शन आउट करके एक क्लचर की हेल्प से उसको अवे कर लिया है। इन बालों को जो मैंने अभी स्ट्रेटनिंग करूंगी उन पे मैं सिरम लगा रही हूँ एटलीस्ट 2-3 ड्रॉप्स, एंड अब मैं स्ट्रेटनर की हेल्प से इनको स्ट्रेट कर रही हूँ। मेक श्योर कि आप ऐसा एक पतला सा कोम्ब लें, और अगर आपके स्ट्रेटनर में ऑलरेडी कोम्ब अटैच नहीं है तो ये स्टेप जो है इंश्योर करेगा कि आपके जो बाल हैं स्ट्रेटन होने के साथ साथ वो फ्रिजीनेस उनमें से खत्म होती जाए और वो मैनेजेबल भी रहें। एंड जनरली आपको ध्यान रखना है कि इस एरिया को करते हुए आपको अपने कानों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बिकॉज आई हैव बर्नड माई ईयर्स ऑलमोस्ट लाइक एवरी टाइम आई डू स्ट्रेटनिंग। थोड़ा बहुत होता है बिकॉज ये एरिया बहुत ही सेंसिटिव होता है, एंड क्योंकि स्ट्रेटनर लगते लगते थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। मेक श्योर कि आप 2-3 इंच का गैप रखें फ्रॉम स्कैल्प एंड हेयर, ताकि आपके कान वान कुछ भी है वो ना जल सके। एंड जो भी मैंने हेयर्स को स्ट्रेटन कर लिया है उनको मैं एक छोटे क्लचर की हेल्प से मूव अवे कर रही हूँ। एंड थ्रू आउट दिस प्रोसेस आपने अभी देखा कि स्ट्रेटनर जो है वो मेरा ऑन है, स्ट्रेटनर बीच में बंद नहीं करना है। ओके, वन ईच सेक्शन को करने में कम से कम 1 मिनट तक लगेगा। एंड अब जो मैंने कर लिया है सेक्शन उसको मैं रबर बैंड की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी। एंड नाउ आई अगेन जो भी मैंने ऊपर सेक्शन कर लिए थे जो अनस्ट्रेटन्ड बाल हैं मेरे, उनमें से मैं एक और चंक ऑफ हेयर निकाल के स्ट्रेटनिंग वापस से शुरू करूंगी। एंड एज यू कैन सी रबर बैंड वाला सेक्शन बहुत ही स्ट्रेट लग रहा है, एंड दिस विल इंश्योर कि मिक्स ना हो बाल। अगर आप ऐसे नहीं उनको अलग करेंगे तो वो बाल जल्दी मिक्स हो जाएंगे आपके। एंड अगेन मैं सिरम लगा रही हूँ, एंड नाउ वंस अगेन मैं इन पे भी स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ। मेक श्योर कि आप अपने जो है एयर्स को बचाते हुए स्ट्रेटन करें, 2-3 इंच का गैप रखें, एंड जस्ट लाइक दैट आप देख सकते हैं कि मैंने अपने स्ट्रेटनर को स्विच ऑफ नहीं किया है।
एंड एज यू कैन सी द रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी थे एंड नाउ दे हैव बीन कम्प्लीटली स्ट्रेटन्ड. एंड इसको भी मैं एक क्लशर की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी ताकि ये बाल मिक्स ना हो मेरे. एंड वन थिंग आई वुड टेल यू दैट ये मेरा जो है काफ़ी सबसे पुराना ओल्डेस्ट स्ट्रेटनर है. दिस माई मॉम एक्चुअली यूज इट एंड इट इज़ स्टिल द सेम. ये इंडियन ब्रांड नहीं है, ये मेड इन इटली है और अब ये ब्रांड ऐसा मिलता भी नहीं है. सो प्लीज़ डोंट कीप आस्किंग मी इन द कॉमेंट्स कि ये कौन सा ब्रांड है, बिकॉज रियली गाइज इवन आई कॉन्ट फाइंड इट नाउ इन इंडिया और इवन इन यूरोप. अब नहीं, अब ये ब्रांड के स्ट्रेटनर नहीं आते हैं बिकॉज दिस इज़ वेरी ओल्ड. लाइक दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15 to 18 ईयर्स ओल्ड. इतना ओल्ड है एंड स्टिल इट इज़ द बेस्ट. एंड सो येस, एक एक सेक्शन को मैं अपना टाइम लेते लेते स्ट्रेट कर रही हूँ. आई एम प्रोवाइडिंग एटलीस्ट टू मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली टू ईच स्ट्रैंड ऑफ हेयर टू ईच सेक्शन. एंड एज यू कैन सी दे हैव बीन कम्प्लीटली स्ट्रेटन्ड. और अब मैं इनको भी एक पोनीटेल में पीछे बांध लूँगी ताकि ये मिक्स ना हो मेरे अनस्ट्रेटन्ड बालों से. एंड अगेन आई एल सेक्शन आउट. ऐसे करना ज़्यादा ईजी होता है. एंड ये सिरम टाइम अगेन. इन बालों पे भी मैं सिरम लगा लूँगी. सिरम अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 से 3 ड्रॉप्स लेना है. बहुत ज़्यादा आप मत लीजिएगा वरना बहुत ज़्यादा ग्रीजी लुक आ जाएगा. 2 से 3 ड्रॉप्स इनफ है. और आप देख सकते हैं थोड़ा सा धुआं निकल रहा है मेरे स्ट्रेटन करते वक्त. वाई? बिकॉज मैं गीले बाल नहीं हैं ये, बट थोड़े से हल्के से डैम्प हैं बाल. थोड़ा बहुत इवेपोरेशन होगा जैसा कि मैंने आपको टिप में बताया था कि आपको गीले बालों में नहीं करना है. और अब मैं इसको भी स्ट्रेट कर लूँगी, इस सेक्शन को. एंड ये भी मेरे बाल स्ट्रेट हो गए सारे. एंड अब जो टॉप सेक्शन है उसको भी मैं अब हटा के अब उसको भी मैं स्ट्रेट कर लूँगी. एज यू कैन सी अब ये सिर्फ टॉप सेक्शन बचा है जो कि काफ़ी ज़्यादा कर्ली है. अगर आपको ऐसे एंड्स थोड़े अनरूली लगते हैं तो आप हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगा के आप फिर से स्प्रे कर सकते हैं. आप फिर से सॉरी स्ट्रेट कर सकते हैं उनको. अगर थोड़े से बहुत ज़्यादा रफ लग रहे हैं आपको बाल, आप थोड़ी सी हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगा लीजिए एंड देन यू कैन स्ट्रेटन इट अगेन. हीट प्रोटेक्शन स्प्रे अगर आपको नहीं आता बनाने, मैं आपको वीडियो ऊपर लिंक कहीं दे दूंगी, यू कैन चेक इट आउट. मैंने बनाया हुआ है हीट प्रोटेक्शन स्प्रे. इनको भी स्ट्रेट कर लूँगी. एंड नाउ एज यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट इज सो गॉर्जियस. एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा. And as you can see, this is the result that I have got. And आप भी ऐसे tips and tricks follow कर सकते हैं to achieve this result. I hope you enjoyed watching. I hope you liked this video. Do share it out with your friends. And I'll really see you soon in my next video. And yes, don't forget.